हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं वो सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आप सभी को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और हमारी जो फैमिली है 2000 प्लस हो चुकी है और आप सभी अपनी एकता इस चैनल पर दिखाइए और इस चैनल को आगे लेकर जाइए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के सपोर्ट के लिए बना है। आजीवन आपके सपोर्ट के लिए आवाज़ उठाता रहेगा ये चैनल, ठीक है। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैं एक महीने में कितना कमाता हूँ सॉन्ग राइटिंग करके। कई दोस्तों का सवाल है कि गुड्डू भैया, अगर हम राइटर बनते हैं तो फिर हमें इसमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होगा हमें, और सिंगर बनने में और राइटर बनने में क्या अंतर है, इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूँ कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप सिंगर बनते हैं तो आपके लिए जितना जायज़ नहीं है जितना राइटर बनना आपके लिए जायज़ है। राइटर बनके आप शुरुआत के दिनों में भी कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हो। अगर आप सॉन्ग राइटिंग अच्छा करते हैं, आपकी सॉन्ग राइटिंग की स्किल अच्छी है, तो आप कुछ ना कुछ कमा सकते हो। लेकिन अगर आप सिंगर बनते हो तो फिर आपको पैसा लगाना होगा शुरुआत में, और उसके बाद में आगे चल के आपको इनकम होगा। लेकिन ये राइटिंग का जो काम होता है इसमें शुरुआत में ही इनकम होने लगता है। जैसे मैं कमाता हूँ और मैं महीने का कितना कमाता हूँ आज आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सब समझ पाएंगे। कई लोग सवाल करते हैं फ़ोन करके और सभी लोग को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, तो सोचा मैंने एक वीडियो इस पर बना दूँ और कई सारे लोग का कन्फ्यूजन होता है तो इस कन्फ्यूजन का दूरी कर देते हैं। और एक महीने में मैं कितना कमाता हूँ आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इस महीने में मैंने 10 दिन से 11 दिन तक गैप कर दिया था, सॉन्ग राइटिंग नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी दादी मर गई थी, जो मार्च का महीना है। मार्च में 31 मार्च तक का महीना था, 31 तारीख का महीना लगा है। 1 तारीख तीसरा महीना 2022 से लेकर 31 तारीख तीसरा महीना 2022 तक का आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ये नहीं कि झोल झाल फेंक कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं, लाइव दिखाऊंगा कि कितना मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का मतलब जमा हुआ है, और कितना डेबिट हुआ है, और कितना उस टाइम में मेरे अकाउंट में बचा हुआ था। तो चलिए क्यों देर कर रहे हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी के दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन और एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते प्रणाम। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। सभी देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूं और आप सभी को अपना लाइव जो स्टेटमेंट है वो दिखाने वाला हूं। और ये देखिए, मैं आपको यहां पे पहले प्ले कर देता हूं इसको। ये देखिए स्टेटमेंट मैंने निकलवाया है, कितने तारीख को निकलवाया वो भी आपको दिखा देता हूं। इसको थोड़ा सा ऐसे स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं कि कितने तारीख को निकलवाया हूं। ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए 31 मार्च, मार्च 31 को स्टेटमेंट निकलवाया हूं मैं, लास्ट महीने को, तीसरे महीने के लास्ट में मैंने स्टेटमेंट निकलवाया है। चलिए स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं, ड्राइव में खोलते हैं। इसमें पासवर्ड मांगेगा तो चलिए इसको पासवर्ड देते हैं, और पासवर्ड देने के बाद इसे खोलते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी पासवर्ड मांगेगा तो चलिए मैं पासवर्ड के जगह पे वीडियो को पॉज कर लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, पासवर्ड डाल के फिर वीडियो को चालू कर। ये देखिए मैंने पासवर्ड डाल के अपना जो ये ड्राइव में मैंने स्टेटमेंट को रखा हुआ है, पीडीएफ फाइल है, दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। ये देखिए स्टेटमेंट, सॉरी इसको ये इस वाले से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए स्टेटमेंट इस पे लिखा हुआ है और पीडीएफ लिखा हुआ है, और आप देख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और मेरा जो बैंक है फिनो पेमेंट्स बैंक है, और यहाँ पे मेरा नाम आप आसानी से पढ़ सकते हैं गुड्डू कुमार, और ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और ये बैंक का एड्रेस है, ठीक है, और ब्रांच एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए हम अपना नाम, तो मेरा आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि मेरा नाम सही से यहाँ पर है गुड्डू कुमार, वरना आप बोलोगे, जो लोग मेरे पास पेमेंट किया उनको पता है कि मेरा नाम अकाउंट में गुड्डू कुमार ही आता है, और इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मैं गाना लिखने का ही पैसा मंगाता हूँ। चलिए इसको ऊपर करते हैं, मेरा अकाउंट नंबर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, देख लीजिए, कोई भी झोल झाल नहीं है, वीडियो में आपको सब चीज़ आसानी से और क्लियर भाषा में दिखा रहा हूँ। ये देखिए अकाउंट नंबर, और उसके बाद में चलिए इसको ऊपर करते हैं और दिखाते हैं कि कितने तारीख से कितने तारीख का मैंने ट्रांजेक्शन डिटेल निकाला हुआ है। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, अभी मैं ब्लैक कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। ये देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल, यहां पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस डिटेल फॉर द पीरियड 1 तारीख तीसरा महीना 2022 से 31/3/2022 तक का डिटेल है। चलिए इसको ऊपर करते जाते हैं और डायरेक्ट आपको लास्ट में दिखाते हैं, ये इसका लास्ट में चलते हैं और डायरेक्ट लास्ट में आपको दिखाते हैं आपका बिना समय वेस्ट किए हुए। इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, और ये देखिए लास्ट में आ चुका हूँ अभी मैं,
और चलिए आपको दिखाने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप लोग का मोटिवेशन जो है बरकरार रहे कि आप अगर सॉन्ग राइटिंग करते हैं तो सॉन्ग राइटिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना घर बैठे आप कितना रुपया खर्च, देखो दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आप 30 रुपये खर्च करके महीने में 10,000 रुपये कमा सकते हैं, तो रियलिटी है लेकिन आप उस तरह से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, सॉरी कलर चेंज करने दीजिए, अभी मैं ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये देखिए आराम से मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है वो कितना रुपया क्रेडिट हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं, 35,489 रुपया एक महीना में क्रेडिट हुआ है। और डेबिट का दिखा देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ और डेबिट दिखाता हूँ कि मेरे अकाउंट से निकला कितना है, सॉरी ये आप देखिए मेरे अकाउंट से इतना रुपया निकला हुआ है, 33,976 रुपया निकल चुका है अभी तक और इसमें क्रेडिट हुआ है 35,489 और उसके बाद में अभी इसमें बैलेंस बचा हुआ है ये आप देख सकते हैं 1,619 रुपया बचा हुआ है। और इतने लोगों ने मेरे पास डी आर अकाउंट ये है डेबिट का, इतने लोगों के पास मैं पैसे भेजा हूँ और इतने लोगों ने मेरे पास भेजा है, इतने लोगों के पास 124 लोगों के पास मैं भेजा हूँ और ये है आपका 61 लोगों ने मुझे भेजा हुआ है और 61 लोगों ने कितना रुपया भेजा है टोटल 35,489 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने में लगभग मैंने 61 गाने लिखे हुए हैं और 61 गाने का पेमेंट आया है मेरा 35,489 रुपया। तो आज के वीडियो में इतना ही और लाइव प्रूफ दिखाया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा और अगर आपको भी कोई भी सॉन्ग राइटिंग करवाना है तो गुड्डू भाई के पास कॉल कीजिए, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो, माता रानी से दुआ और कामना है।